स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, यूपी टेट की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जबरदस्त न्यूज आई है, और न्यूज ये है कि यूपी टेट के लिए नोटिफिकेशन के बारे में सूचना दे दी गई है। इसका नोटिफिकेशन लगभग जारी कर दिया गया है, जिसमें आपको बताया गया है कि आपका एग्जाम कब होना है, आपके एग्जाम फॉर्म कब निकाले जाएंगे। क्योंकि जैसा आप जानते होंगे, 2020 में कोरोना के कारण यूपी टेट का एग्जाम नहीं कराया गया है, तो ये परीक्षा अब 7 मार्च को कराई जाएगी, जिसमें लगभग जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं उनकी बढ़ने की पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 2020 में ये परीक्षा नहीं कराई गई है। तो 2020 के जो कैंडिडेट बीएड पास आउट होंगे या फर्स्ट ईयर जिन्होंने कंप्लीट की होगी, तथा जो पहले साल के कैंडिडेट्स होंगे, वो इस बार पद भरने के लिए पूरी तैयारी में है। लगभग 10 से 12 लाख कैंडिडेट इस परीक्षा को देने के मोड में है। हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे कि इसका नोटिफिकेशन कब रिलीज कर दिया गया है, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या है। तो इसका नोटिफिकेशन दोस्तों मैं बता दूं, इसका नोटिफिकेशन लगभग जारी कर दिया गया है, और जिसमें आपको बताया गया है ये एग्जाम फॉर्म आपके 25 जनवरी तक आपका यूपी टेट का फॉर्म निकल जाएंगे। और यूपी टेट के फॉर्म निकलने के बाद लगभग आपको 1 महीना का समय दिया जाएगा एग्जाम फॉर्म भरने के लिए। मैं मानकर चलिएगा 20 फरवरी तक आपसे इसके फॉर्म मांग ले जाएंगे। आपको कंप्लीट प्रोसेस 20 फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। यूपी टेट का नोटिफिकेशन लगभग तक रिलीज हो चुका है। 20 से 25 जनवरी के बीच आपके फॉर्म आ जाएंगे, और 20 फरवरी तक ये फॉर्म आपको भरकर सबमिट करने हैं। तो सभी डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार कर लीजिएगा जो भी इसके लिए वैलिड होंगे, मैं आपको ये सभी डिस्कस करूंगा। देखिए, जैसे आपको इसकी फॉर्म डेट मैं बता चुका हूं, 25 जनवरी से आपके एग्जाम फॉर्म आ जाएंगे, जो लगभग 20 फरवरी तक भरे जाएंगे। और जैसा आप जानते होंगे, इसके लिए जो उम्र सीमा है वो निर्धारित की हुई है। सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि इसके लिए जो योग्यता है वो आपके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना अति आवश्यक है। आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ साथ आप पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री भी हो सकते हैं, प्लस बीएड धारक जो भी कैंडिडेट होंगे वो यूपी टेट का एग्जाम देते हैं। दरअसल यूपी टेट एक प्राथमिक परीक्षा है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने के लिए आपके पास यूपी टेट होना बेहद जरूरी है। यदि आपके पास यूपी टेट नहीं है तो आप उत्तर प्रदेश के शिक्षक भर्ती के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे, आप उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती में फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा कि ये वर्ष आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। जिन कैंडिडेट के पास यूपी टेट नहीं है वो बहुत बड़े पदों से टीचरों के इस बार मौके चूक जाएंगे। और फॉर्म डेट बता चुके हैं, देखिए इसकी एग्जाम डेट लगभग तय हो चुकी है, 7 मार्च को आपका यूपी टेट का एग्जाम करा लिया जाएगा। आपके पास बहुत ज्यादा समय भी नहीं बचा है, मात्र 2 महीने का आपको 2 मंथ का आपके पास समय है। इन 2 मंथ में आपको यूपी टेट की कंप्लीट तैयारी करनी है, तो आप हमसे जुड़ जाइएगा, आपको हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट मुहैया कराएंगे। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की, जो समझना बेहद जरूरी है। इसके एग्जाम पैटर्न को यदि आप समझ जाते हैं तो आप सब एग्जाम को आसानी से समझ जाएंगे। देखिए, यूपी टेट का एग्जाम 2 चरणों में कराया जाता है, एक प्राइमरी लेवल के लिए और एक जूनियर लेवल के लिए। वो जो प्राइमरी लेवल का एग्जाम पैटर्न है उनमें भी 150 क्वेश्चन आते हैं, जो जूनियर लेवल का है उसका भी 150 क्वेश्चन आते हैं, बट फर्क दोनों में इतना है, दोनों का सिलेबस अलग होता है। सिलेबस इसका इस प्रकार है, जैसे हम आपसे डिस्कस कर लें कि सिलेबस क्या है। 150 क्वेश्चन में से आपको जनरल, यदि आप जनरल में बिलोंग करते हैं तो आपको 60% मार्क्स, और यदि आप अदर कास्ट से बिलोंग करते हैं जैसे OBC SC और ST तो आपके पास 55% क्वेश्चन होने चाहिए। अब इसके एग्जाम पैटर्न की बात कर लें, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, तो देखिएगा सबसे पहले इसके 2 एग्जाम होते हैं। यदि जिनके पास बीएड है, ग्रेजुएशन है, तो वो यूपी प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए यानी क्लास 1 से क्लास 5 तक के लिए प्राइमरी टेट दे सकते हैं। उसका जो सिलेबस है, उसका सिलेबस है एक आपका हिंदी जो जरूरी है, प्लस आप एक सेकेंड लैंग्वेज यानी फर्स्ट लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज चुन सकते हैं, जिसमें आपको उर्दू प्लस हिंदी संस्कृत, या फिर आपके पास मौका होगा आपको इंग्लिश एक सब्जेक्ट चुनना होगा, जो आपका 30 क्वेश्चन और थर्ड, यदि मैं आपको बात कर दूं, इन्वायरमेंट स्टडीज, ये 30 क्वेश्चन, और फोर्थ आपका मैं बात करता हूं चाइल्ड डेवलपमेंट, जो लगभग 30 क्वेश्चन, और लास्ट आपका आता है मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन।
टोटल 150% का आपका पेपर आएगा यदि आप प्राइमरी लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, और 150 क्वेश्चन से कम 90 क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो आप यूपी टेट में जनरल कैंडिडेट यदि आप हैं तो आप क्वालिफाई होंगे। और यदि आप ओबीसी एससी और एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको 82 क्वेश्चन सोल्व करने पर यूपी टेट आपका क्वालिफाई मान लिया जाएगा। और यदि मैं जूनियर लेवल की बात करूं तो जूनियर लेवल में जो पैटर्न है वो चेंज है, और जो जूनियर लेवल का पैटर्न है वो ये है कि आपको 30 नंबर का आपका लैंग्वेज फर्स्ट होगा, 30 नंबर का आपका लैंग्वेज सेकंड होगा, और उसी के साथ साथ 60 नंबर का यानी 60 क्वेश्चन आपके साइंस और मैथमेटिक्स जो भी आप बिलोंग करते हो, यदि आप आर्ट से हैं तो आर्ट में 60 क्वेश्चन आपके सोशल स्टडीज से आएंगे, और टोटल 150 क्वेश्चन आपको जूनियर लेवल में देखने को मिलेंगे। और क्वालिफाइंग मार्क्स इसका भी सेम है, यदि आप जर्नल हैं तो 90 क्वेश्चन, और यदि आप ओबीसी एससी और एसटी हैं तो आपको 82 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। यदि आप जूनियर देना चाहते हैं तो जूनियर, प्राइमरी देना चाहते हैं तो प्राइमरी, और जो कैंडिडेट दोनों देना चाहते हैं वो कैंडिडेट दोनों भी दे सकते हैं। इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि आपको केवल एक ही देना है। यदि आप बीएड धारक हैं तो आप यूपी टेट जूनियर लेवल तथा यूपी टेट प्राइमरी लेवल दोनों दे सकते हैं। पैटर्न दोनों का केवल यह है कि इसमें 5 सब्जेक्ट आपके आएंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से आप कहते हैं 30 क्वेश्चन प्राइमरी लेवल में, और यहां पर आपका 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट से बेस होते हैं। यदि आप साइंस से हैं तो आपके पास मैथ आएगा, और उसके साथ साथ आपके पास जो भी आपका साइंस सब्जेक्ट होगा उससे क्वेश्चन आएंगे, और यदि आप आर्ट से स्टूडेंट हैं तो आपके 60 क्वेश्चन सोशल स्टडीज से आएंगे। ये आपका एग्जाम पैटर्न है। टोटल 150 क्वेश्चन दोनों पेपर में पूछे जाते हैं। क्वालिफाइंग स्कोर हमने डिस्कस कर लिया है, 7 मार्च को आपका एग्जाम होना है, और 20 से 25 जनवरी के बीच यूपी टेट के फॉर्म निकाल दिए जाएंगे। तैयारी में लग जाइएगा, हम भी अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट मुहैया कराते रहेंगे। दोस्तों सबसे जरूरी है यूपी टेट इस बार निकालने का सबसे बढ़िया चांस इसलिए है कि आप यदि यूपी टेट निकाल देते हैं तो उत्तर प्रदेश में लगभग 55,000 पदों की वैकेंसी होनी है, और ये मे भी आपको अप्रैल या मई में इसके फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप तैयारी में अपनी लग जाइएगा, यूपी टेट क्वालिफाई कीजिएगा, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें आपके यूपी टेट और सी टेट के मार्क्स भी इंक्लूड होंगे, आपके जो डिग्री के मार्क्स हैं उसके भी इंक्लूड होंगे, और जो आप मेन एग्जाम देंगे उसके भी इंक्लूड होंगे। तो बेहतर आपके साथ यही रहेगा कि आप यूपी टेट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करें, ताकि जब आपका कट ऑफ बने उसमें आपको इसका बेनिफिट सीधे सीधे मिल सके। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।